मैं गौरव गुप्ता और आज मैं आया हूँ संजय वन। संजय वन दिल्ली के 10 हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया है और ये जगह बहुत ही भूतिया है, डरावनी है। ये जंगल संजय वन तकरीबन 10 एकड़ में फैला हुआ है और यकीन नहीं होता सुनने में कि 21वीं सदी में भी लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये जगह भूत प्रेत है। और चलिए पता लगाते हैं कि यहाँ का रहस्य क्या है और घूमते हैं संजय वन जंगल दिल्ली। जंगल में पसरी खौफ की कहानी। आधी रात के बाद भटकती आत्मा को आवाज। दोस्तों यकीन नहीं होता कि इस जंगल में संजय वन में आने में लोगों में इतना खौफ पैदा होता है। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे रात में और कभी कभी दिन में भी एक सफ़ेद लिबास में कोई औरत घूमती है और वो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। कभी ऐसा भी लगता है कि कोई आपको पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा है और आपको आगे की तरफ धकेल रहा है, लेकिन पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ। तो देखते हैं घूम के कि यहाँ पे क्या है और कितनी सच्चाई। दोस्तों यहाँ पे अब दो रास्ते आ गए हैं एक जगह पे और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं भी शायद रास्ता भूल चुका हूँ, भटक चुका हूँ जंगल। तो चलिए राइट की ओर चलते हैं, इधर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या। आत्मा होगी तो आएगी जरूर। के उजाले में वो जंगल घूमने की जगह है, रात के अंधेरे में वो खौफ की निशानी है। सूरज की रोशनी में वहाँ इंसान दिखाई देते हैं, रात के अंधेरे में वहाँ मंडराते हैं भयानक साए। दिन में वो जंगल जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही खौफनाक। लोग कहते हैं उस जंगल में भूतों का बसेरा है। 783 एकड़ में फैला हुआ है और दिल्ली में मेहरौली के बीच में ये जंगल है और कुतुब मीनार के पास में है। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ, जंगल के बीच में एक मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, तो उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और चलते हैं देखते हैं कि उस मंदिर में क्या मिलता है। कोई कहता है सफेद लिबास में वहाँ कोई औरत मंडराती हुई दिखाई देती है, कोई कहता है जंगल में सुनाई देती है बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें, रात के सन्नाटे को चीरती हुई भयानक चीखें, वहां से गुजरने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। दोस्तों संजय वन जंगल दिल्ली का सबसे बड़ा जंगल, हकीकत में ही बहुत बड़ा है और बहुत घना है। बहुत तरीके के पेड़ और बहुत तरीके के जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने सांप देखा, नेवला देखा, बहुत से जंगली जानवर हैं यहाँ पे। शायद इसीलिए डरावनी जगह में से एक माना जाता होगा। लेकिन जैसा बोला जाता है कि भूत प्रेत और ये सब, तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं है। बाकी अभी थोड़ी देर में मैं शायद बाहर निकलने वाला हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी जंगल बहुत ज़्यादा घना है, पेड़ अलग अलग तरीके के हैं, डरावने पेड़ हैं,
तो उन्हीं की वजह से शायद बोला जाता हो कि ये बहुत ज्यादा भूतिया है और डरावनी जगह है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, बहुत घूमा जंगल में, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत कोशिश की मैंने गोरखनाथ टेम्पल ढूंढने की लेकिन मुझे नहीं मिल पाया और मेरी पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी है। तो किसी ने बताया कि यहाँ से बाहर का रास्ता जाता है, तो मैं अब इधर को निकल गया हूँ क्योंकि एक तरीके से भूल भुलैया टाइप है। वहाँ से मैं निकल रहा हूँ बार बार घूम के, वहीं पर आ जाता हूँ। तो चलते हैं, अब बाहर का रास्ता मैं ढूँढ रहा हूँ, शायद मुझे मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो गाइस, आफ्टर ऑल आई गॉट माय एग्जिट गेट। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े मेरे साथ और आज हमने घूमा संजय वन दिल्ली। ये नहीं कहूँगा कि भूतिया है, लेकिन हाँ एक अजीब सा वातावरण है अंदर का, एक अजीब सा ही माहौल है। हो सकता है जंगली जानवरों की वजह से या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ अंदर अगर आप अकेले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर आए देखने, संजय वन दिल्ली मेहरौली में है, कुतुब मीनार के पास। और हाँ, हमारी वीडियो लाइक करना ना भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।